यूट्यूबर जो कि पत्रकार कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की घर के कुर्की जब्ती के सीधे तौर पे ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद इनके घर की कुर्की जब्ती की जा रही है। और वहीं मनीष कश्यप की गिरफ्तारी बोले तो कहीं ना कहीं उस आत्मसमर्पण कर दिए हैं जिसके कहीं ना कहीं पीसी करके और कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से और बिहार पुलिस के जो पेज है उसके माध्यम से भी ये जानकारी दी गई। ट्विटर पेज और फेसबुक के माध्यम से मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने जो कि बेतिया जिला के अंतर्गत आता है उसमें कहीं ना कहीं जा करके आत्मसमर्पण किया। और ये भी अफवाह उठाई जा रही है, कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि कुर्की जब्ती की जब बात आई कोर्ट के द्वारा तो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण करने की जरूरत मनीष कश्यप को पड़ गई। वहीं साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जगदीशपुर थाने के बाहर किस तरह से लोगों का जमावड़ा है, हुजूम है, यानी कि मनीष कश्यप के समर्थन में। देखिए किस तरह से यहाँ जगदीशपुर ओपी है और वहां पे किस तरह से यहाँ पे खास तौर से मैक्सिमम यहाँ पे युवा जुटे हुए हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पे हुल्ला हंगामा, हो सकता है सेल्फी लेने के लिए भी एक लोग खड़े हो। और देखिए किस तरह से गाड़ी में ले जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं बिहार पुलिस ईओयू की टीम और ले जाकर कहीं ना कहीं पूछताछ की प्रक्रिया जो है यू टीम की तरफ से और बिहार पुलिस के द्वारा जारी है। वहीं तमिलनाडु से भी तमिलनाडु पुलिस के डीएसपी इंस्पेक्टर यानी 4 सदस्यीय टीम पटना एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और बिहार पुलिस यूयू के पूछताछ के बाद मनीष कश्यप से तमिलनाडु पुलिस भी इस प्रक्रिया में पूछताछ करेगी और जानने का प्रयास करेगी आखिरकार बात। एक्चुअली आप विगत कुछ दिनों से देख रहे थे कि आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और साथ ही साथ बेतिया ज़िले में भी एक केस पेंडिंग था जिसमें जो लीगल प्रोसीजर था वो आगे बढ़ रहा था और कल उसकी कुर्की निकाली गई थी और आज सुबह में उसकी कुर्की भी की जा रही थी और कुर्की भी कंप्लीट हो गया है। तो लगातार ईओयू के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया और हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। What you reported till now to the Tamil Nadu police because Manish Kashyap is arrested. के बाद